वैष्णवी, अगर मैंने कभी लेक्चर सेंड नहीं किया तो कॉल करने का है ना, अगर कभी मैंने लेक्चर सेंड नहीं किया तो कॉल करने का, इमिडिएटली काम करके लेने का है ना। लेक्चर मिस हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुझे जो चाहिए वही मुझे चाहिए, मार्क्स मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो इमिडिएटली लेक्चर्स देखने का, मैंने कभी कभी सेंड नहीं किया होगा तो चुप चुप बैठने का नहीं, फटाफट कॉल करने का, परेशान करने का, लेक्चर भेजो बोलने का। लेकिन उसका उस दिन का लेक्चर उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए। तेरा नेट का अभी अच्छा कनेक्शन ले ले, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। चलो नेक्स्ट, और जितना भी अभी ये थर्मो कंप्लीट करके ले ले, जिनका भी थर्मो का लेक्चर्स मिस हुआ है कंप्लीट करके ले लो, मिस मत करो लेक्चर्स। थर्मो इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चंस आएगा इस पे, 3 आने का चांस है, 2 भी आ सकता है, कम आया तो, ज्यादा आया तो 4 भी आ सकता है, बस थर्मोडायनेमिक्स पे, तो अच्छा करो थर्मोडायनेमिक्स। चलो सॉल्व भी करो, थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सॉल्व करो। चलो ब्रेक में देखेंगे किसका किसका कितना सॉल्व हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, ये सिंपल सिंपल अभी थ्योरी है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ये क्या है देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन है क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्या है? क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। तो क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस मतलब रहता है प्रोसेस व्हिच इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, प्रोसेस व्हिच इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोलते हैं? क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्या? देखो एक एग्जांपल में बोलता हूं, ठीक है। मतलब क्या? अभी आइसोथर्मल प्रोसेस मुझे करना है, मुझे कौन सा प्रोसेस करना है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस मुझे करना है, तो कौन सी पाथ से करना है? क्वाजिस्टैटिक टाइप से करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्वाजिस्टैटिक टाइप से करना है, मतलब कैसा? देखो तो यहां तक गैस है, यहां तक फुल गैस भरा हुआ है, इधर तक पिस्टन है, यहां तक गैस पूरा भरा हुआ है, ये पिस्टन है, अंदर का टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है, आउटसाइड टेम्परेचर इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, आउटसाइड टेम्परेचर भी 30 डिग्री। अब ये फटाक से कॉम्प्रेस नहीं करने का, इसको कॉम्प्रेस करना है, अपना काम क्या है इसको कॉम्प्रेस करने का, लेकिन झट से कॉम्प्रेस नहीं करने का। झट से कॉम्प्रेस किया तो अंदर का टेम्परेचर इमिडिएटली बढ़ जाएगा, अंदर का टेम्परेचर इमिडिएटली बढ़ जाएगा तो अंदर का सिस्टम बाहर के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। यहां से फटाक से प्रेशर बढ़ाया मैंने, फटाक से इस पे प्रेशर बढ़ाया, फोर्स एकदम इमिडिएटली बढ़ाया, तो फटाक से ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, अंदर का टेम्परेचर भी झट से एकदम बढ़ जाएगा, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर से बड़ा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ऑलवेज हमको इक्विलिब्रियम में रखना है, हमको ऑलवेज क्या करना है? इक्विलिब्रियम में रखना है, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रेशन किया तो थोड़ा सा कॉम्प्रेशन करने के लिए फोर्स भी थोड़ा ही बढ़ाना पड़ेगा, एकदम मामूली फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो मामूली फोर्स बढ़ाया तो थोड़ा सा मामूली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, और टेम्परेचर जो भी थोड़ा बढ़ता है वो बाहर हीट कंडक्ट करके अभी वापस उतना ही रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो स्मॉल स्मॉल चेंज करने का, प्रेशर स्लोली 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 इंक्रीज करने का, तो ये टेम्परेचर झट से बढ़ता नहीं, जितना भी बढ़ता है बाहर फ्लो होता है, फिर जितना भी अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है बाहर फ्लो होता है, हीट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो ऑलवेज ये दोनों का इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस। तो सिस्टम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है, प्रोसेस जब चालू है तब सिस्टम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहता है, प्रोसेस जब चालू है तब सिस्टम ऑलवेज क्या रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है।
उसको बोलते हैं कॉजिस्टेटिक प्रोसेस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट डेफिनेशन आ सकता है एज इट इज आ गया तो क्वेश्चन में, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल नहीं रहता। और इधर पी वी टी इनका कॉम्बिनेशन क्या रहता है, यूनिक रहता है। समझो इधर है, मैंने थोड़ा कॉम्प्रेस किया, इधर है पिस्टन, यहां तक पिस्टन ला लिया, थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया, थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया तो वॉल्यूम नया हो गया, अभी तो नया वॉल्यूम हो गया, प्रेशर बढ़ाया है इसलिए तो ये नीचे आया, तो नया प्रेशर हो गया, नया वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है इसके साथ, इक्विलिब्रियम में तो टेम्परेचर सेम है, लेकिन प्रेशर नया आ गया, वॉल्यूम नया आ गया, और टेम्परेचर उतना ही 30 डिग्री। तो पी वी टी का कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर सेम रहेगा लेकिन पी वी टी का कॉम्बिनेशन क्या है, नया आ गया, और थोड़ा कॉम्प्रेस किया तो नया पीवीटी, और थोड़ा कॉम्प्रेस किया तो नया पीवीटी, और थोड़ा कॉम्प्रेस किया तो नया पीवीटी। सो जैसे मैं कॉम्प्रेस करते जाता हूं, हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे पीवीटी का कॉम्बिनेशन क्या रहता है, यूनिक रहता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पीवीटी इज यूनिक फॉर ईच इंस्टेंट एंड प्रोसेस इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, एंड प्रोसेस इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, चलो डायग्राम का कुछ जरूरत नहीं है, रहने दो कुछ नहीं, चलो स्क्रीनशॉट मारो आगे का देखेंगे। एकदम सिंपल सिंपल है, छोटा मोटा थ्योरी है अभी आज, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी कुछ नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी कल देखेंगे, हीट इंजन एंड फ्रिज, एकदम मस्त है, इंटरेस्टिंग, हीट इंजन एंड फ्रिज एकदम मस्त है, इंटरेस्टिंग है, कल देखेंगे। चलो हो गया इतना, देखो नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट क्या है, देखो अभी ये नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस, एकदम सिंपल सिंपल है, पॉइंट्स लिखता हूं फिर देखेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ठीक है, चलो सब पॉइंट्स मैंने इधर कलेक्ट किया है, पेन का इंक क्यों नहीं आ रहा बाहर समझने का। चलो तो देखो क्या क्या है, चलो चलो इधर देखो क्या क्या है, सिंपल सिंपल थ्योरी है, ज्यादा ये कुछ डीप है नहीं है, इस पे कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं आता, एक हाथ थेराटिकल वगैरह न्यूमेरिकल आ सकता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आगे प्रोसेस गया है तो उल्टा आ सकता है, इतना ही नहीं है और भी है, समझो
पेन इधर से उधर लेके जाऊं जा रहा हूं, वापस लेके मैंने आया, तो इसको रिवर्सिबल बोलेंगे क्या? हाँ ये रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन जाते हो जितना मैंने पेन को एनर्जी दिया आते वक्त उतना एनर्जी पेन ने मुझे वापस देना चाहिए, तभी ये रिवर्सिबल है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पेन को मैं इधर था पेन सरफेस पे रखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो पेन इधर था, पेन इधर था, तो इधर का पेन मैं इधर लेके जाता हूं, ये प्रोसेस हो गया, इधर का पेन में वापस लेके आता हूं, तो ये हो गया अब रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हो सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है इफ जाते वक्त जितना चेंज हुआ है आते वक्त उतना ही चेंज होता है एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जाते वक्त मैंने उसको एनर्जी दिया 5 जूल्स, इफ आई गिव 5 जूल्स वाइल गोइंग देन पेन शुड गिव बैक 5 जूल्स टू मी वाइल कमिंग। इफ आई गिव 5 जूल्स टू पेन वाइल गोइंग पेन शुड गिव 5 जूल्स टू मी वाइल कमिंग बैक। ठीक है, तभी रिवर्सिबल है। जाते वक्त का चेंज मैंने क्या किया, 5 जूल्स उसको दिया, तो आते वक्त उसने मुझे 5 जूल्स देना पड़ेगा, तभी रिवर्सिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो है क्या ये रिवर्सिबल? नहीं। ये पेन उधर लेके जाना इधर लेके आना, इज इट रिवर्सिबल? दिस इज नॉट रिवर्सिबल। व्हाई? व्हाइल गोइंग फ्रिक्शन कंज्यूम सम एनर्जी, इधर जाते वक्त फ्रिक्शन कुछ तो खा लेता है, वेस्ट करता है, कुछ वापस रिवर्स नहीं मिलता फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन ने जितना भी एनर्जी खाया कुछ वापस नहीं मिलता, जाते वक्त फ्रिक्शन के अगेंस्ट मुझे खर्चा करना पड़ता है। व्हाइल कमिंग बैक आल्सो आई हैव टू स्पेंड सम एनर्जी फॉर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन व्हाइल गोइंग कंज्यूम्स सम एनर्जी, व्हाइल कमिंग आल्सो फ्रिक्शन कंज्यूम्स सम एनर्जी। आते वक्त देता नहीं वो, आते वक्त भी खाता है जाते वक्त भी खाता है, तो दिस इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल नहीं है, फ्रिक्शन है, ये रिवर्सिबल नहीं है। समझो पेन ऊपर उठा है, पेन ऊपर उठा है तो 10 जूल मैंने समझो खर्चा किया, तो पेन के अंदर 10 जूल जाके बैठता है, छोड़ दिया तो 10 जूल वापस मिलता है, उसका काइनेटिक एनर्जी आता है उतना। इफ आई लिफ्ट पेन एंड फॉर लिफ्टिंग इफ आई स्पेंड 10 जूल्स, तो माय एनर्जी डिक्रीजेस बाय 10 जूल्स एंड व्हेन आई लिफ्ट पेन एनर्जी ऑफ पेन इंक्रीजेस बाय 10 जूल्स। अब जब चाहिए मुझे वो पेन दे सकता है, जब मुझे चाहिए वो 10 जूल्स दे सकता है, पेन वापस आ गया, पेन वापस आ गया तो क्या? व्हाइल कमिंग पेन गेट्स काइनेटिक एनर्जी, उसका जो भी 10 जूल था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, और उतने काइनेटिक एनर्जी के से सरफेस को इंपैक्ट कर रहा है तो वापस दे रहा है, तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। पेन को लिफ्ट करना और छोड़ना दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन पेन को उधर जाना और इधर आना दिस इज नॉट, बिकॉज फ्रिक्शन इज कंज्यूमिंग, फ्रिक्शन कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी ऊपर उठाना और वापस छोड़ना, इसमें भी अगर एयर कुछ खा रहा है तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। इसमें भी ऊपर जाते वक्त एयर का ड्रैग नहीं कुछ खाया, नीचे आते वक्त भी एयर का ड्रैग कुछ तो खाएगा, अगर एयर का ड्रैग कुछ तो एनर्जी खा रहा है तो ये भी रिवर्सिबल नहीं है। अगर एयर का ड्रैग नहीं है तो दिस इज रिवर्सिबल, और इधर तो फ्रिक्शन है तो ये रिवर्सिबल है नहीं। तो रिवर्सिबल मीन्स वॉट? जाते वक्त का चेंजेस एंड आते वक्त का चेंजेस शुड बी सेम एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो जाते वक्त जितना हीट दिया आते वक्त उतना वापस मिलना चाहिए, जाते वक्त पॉजिटिव वर्क हुआ तो आते वक्त निगेटिव वर्क होना चाहिए, उतना ही। जाते वक्त इंटरनल एनर्जी का चेंज +50 हुआ तो आते वक्त इंटरनल एनर्जी का चेंज -50 होना चाहिए, तभी रिवर्सिबल है, अदरवाइज दैट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इफ प्रोसेस हैज फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी, ये खाने वाला ये वापस देता नहीं, ये वाले क्या करते खा के बैठते, एनर्जी वापस इनसे मिलता नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है ये। वर्क पावर एनर्जी में हो जाएगा कुछ याद आ रहा तो तुम लोगों को पता होगा क्या, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये खाते हैं एनर्जी वापस देते नहीं। तो इफ दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, इफ दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट देन सिस्टम इज नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में नो फ्रिक्शन, नो रेजिस्टेंस, नो विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रिवर्सिबल प्रोसेस शुड बी स्लो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या चाहिए? स्लो चाहिए। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या चाहिए? सडन चाहिए। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, जितना पॉइंट से उतना रट्टा मारो,
ठीक है, जब भी सडन काम होता है तो इमीडिएट चेंज होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन लॉस वगैरह हो सकता है, तो सडन प्रोसेस नहीं चाहिए। सडन है तो रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल स्लो है तो रिवर्सिबल रहता है, ठीक है। अब ये पॉइंट मुझे क्या है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तुम लोग, मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट रट्टा मारो, इसके ऊपर कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आता। तुम लोगों को अगर इसका रीजन पता है तो बोलो मुझे, मैं बोलता हूँ विदाउट रीजन अंडरस्टैंड करो, इसके ऊपर मैंने सोचा नहीं है। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक इफ परफॉर्म स्लोली देन दे आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस इफ दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म स्लोली देन दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों, ये मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, ये ऐसा एज इट इज रट्टा मारो, ज्यादा काम का भी नहीं है मार्क्स के परस्पेक्टिव से, तो इसलिए इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं, ठीक है। वॉटर का कन्वर्जन इंटू आइस एंड आइस का कन्वर्जन इंटू वॉटर, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस, स्लो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, स्लो इवेपोरेशन ऑफ वॉटर, वॉटर है उसका स्लो इवेपोरेशन हो रहा है और इवेपोरेटेड वॉटर का कंडेंसेशन हो रहा है, तो स्लो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड वाइब्रेशंस हुआ है ना एसएचएम में, तो डैम्प्ड वाइब्रेशंस में क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशंस हुआ है एसएचएम में, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, जो भी डैम्पिंग वाला फोर्स से एनर्जी खाता है वो फ्रिक्शन जैसा रहता है या फिर विस्कोसिटी जैसा रहता है, जो भी डैम्पिंग वाला फोर्स है डैम्प्ड वाइब्रेशन में, जो भी डैम्पिंग वाला फोर्स है एनर्जी खाता है वापस किधर देता है, फ्रिक्शन जैसा रहता है, विस्कोसिटी जैसा, तो दैट इज इरिवर्सिबल। सडन प्रोसेसेस रहता है इरिवर्सिबल। करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से करंट पास हो रहा है तो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करता है और एनर्जी वेस्ट करता है, वापस वो एनर्जी मिलता नहीं मुझे, तो वो भी इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स एररलेस में दिए है, वो पढ़ के ले लो, एररलेस का थ्योरी मैंने बोला है पहले से तुम लोगों को, जितना भी अपना चैप्टर्स कंप्लीट होता है उतने चैप्टर्स का ये स्क्रीनशॉट्स भी रीड करने का, जितना भी अपना चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है उतने चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट्स भी रीड करने का। दूसरा एररलेस, एररलेस में सब थ्योरी अच्छे से दिया है, एक हाथ पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया तो मैं वो लिख के देता, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो, अगर इसमें कुछ डाउट है तो मत पूछो, रट्टा मारो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ डाउट हो के कुछ क्या है, इसका एप्लीकेशन वगैरह इसके न्यूमेरिकल्स नहीं है। चलो आज का फाइनल थ्योरी, 5 to 6 मिनट्स लगेगा फिर न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं। आज का फाइनल थ्योरी, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, कौन सा ग्राफ किसका है बोलो मुझे। फर्स्ट इज पी वर्सेस वी, एकदम गौटी है ये इंक क्यों नहीं आ रहा, ऐसा एक मिनट इधर नहीं, लेक्चर सेंड, देखो लेक्चर जो तुम लोगों को चाहिए उसका मैसेज किधर भेजने का, मुझे व्हाट्सएप पे भेजने का एंड टेलीग्राम पे, दोनों जगह भेजने का। अगर तुम्हें कौन से डेट का लेक्चर चाहिए तो डेट, जिस भी डेट का लेक्चर चाहिए वो डेट किधर भेजने का, व्हाट्सएप पे भी एंड टेलीग्राम पे भी। क्यों, क्योंकि टेलीग्राम है लैपटॉप पे, वो मैं कंटिन्यूअसली देख नहीं सकता,
वो मेरे पास इधर है ही नहीं फोन पे, दोनों जगह पे सेंड करो। अभी ट्वेल्थ का ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है, ट्वेल्थ का कुछ बचा ही नहीं, एक चैप्टर अभी बचा था वो भी हो गया है। ट्वेल्थ का अभी क्या है, अभी दिसंबर आ गए ना, ट्वेल्थ का सिलेबस जनरली खत्म होता है, लेकिन फिजिकल जब चालू हो जाएगा तब ट्वेल्थ का रिवीजन लेने का मैं सोच रहा हूँ, देखते कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए उसके हिसाब से देखेंगे। अभी ट्वेल्थ का कुछ नहीं चालू, सब खत्म हो गया है, अभी थोड़ा बहुत रिविजन चल रहा है। तो देखो, अगर कोई ट्वेल्थ का है तो उनको बोलो कि रिपीटर का लेक्चर ही देखे, कोई ट्वेल्थ का है तो उनको बोलो रिपीट का ही लेक्चर देखो। चलो पी वर्सेस वी ग्राफ कैसा कैसा है देखो। तो पास नंबर वन, चलो तो नंबर वन क्या है बोलो, नंबर वन क्या है, नंबर वन क्या है, कौन सा ग्राफ है, आइसोकोरिक है, नंबर वन क्या है, आइसोकोरिक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम खड़ा लाइन है। नंबर टू क्या है, नंबर टू क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या है, आइसो बारिक है, सिंपल सिंपल है, ये अभी ऑलरेडी हुआ है। अभी इसमें थोड़ा लफड़ा रहता है, ये फोर एंड थ्री मैं बोल रहा हूं आइसो थर्मल एंड एडियाबेटिक, इन दो में से ही कुछ तो है, तो नंबर थ्री क्या है बोलो, नंबर थ्री इज इट आइसो थर्मल और एडियाबेटिक, नंबर थ्री मोर स्लो, फटाफट नीचे आ रहा है, मोर स्लो पे, तो नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री एडियाबेटिक है, मोर स्लोप मतलब एडियाबेटिक, कितना स्लोप रहता है, माइनस गैमा पी, माइनस गैमा पी बाई वी, सॉरी माइनस गैमा पी बाई वी, और आइसोथर्मल का ओनली पी बाई वी, गैमा टाइम्स रहता है एडियाबेटिक का, एडियाबेटिक है। नंबर फोर क्या है, आइसोथर्मल, ठीक है, ओके। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, थर्मो में ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वापस देखो, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर क्या है, ऐसा भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड ऐसा भी है, ये कर्व है, ये चारों एक साथ नहीं होगा, चारों एक साथ नहीं होगा, ओनली ये कर्व होगा या फिर ओनली ये स्ट्रेट लाइन होगा या फिर ओनली वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या फिर ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलेंगे, व्हिच वन इज दिस प्रोसेस, वो ठीक है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस, व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस इज दिस, ऐसा बोलेंगे। तो बोलो अभी इसको नंबरिंग करता हूं, वन टू थ्री फोर, नंबर वन बोलो क्या है, नंबर वन क्या है, कमेंट नहीं करना तो ठीक है, दिमाग में सोचो तो भी चलेगा। तो नंबर वन क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोटी, आइसोथर्मल, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है, प्रेशर, इधर प्रेशर कांस्टेंट है। नंबर फोर क्या है, आइसो बारिक, आइसो बारिक, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, नंबर थ्री स्ट्रेट लाइन है, ऐसा अभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट लाइन क्या है,
ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। अगर ये जीरो केल्विन है तो इधर से ही लाइन पास होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है ये, नंबर थ्री ओरिजिन से पास होना है। जब टेम्परेचर जीरो होता है तो प्रेशर जीरो ही होना चाहिए, केल्विन में टेम्परेचर जब जीरो होता है प्रेशर को जीरो ही होना पड़ता है। तो नंबर थ्री, नंबर थ्री क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल कब रहता है, पीवी अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, पीवी अपॉन टी कॉन्स्टेंट है ना, ये तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहता है हर गैस के लिए। अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूं, पी, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूं, पी इज इक्वल टू सी बाई वी इंटू टी, है ना, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मैं उधर भेज दे बाकी सबको, P is equal to C by V into T. तो ये वाला क्या है पार्ट, दिस पार्ट इज कॉन्स्टेंट, सी भी कॉन्स्टेंट है, वी भी कॉन्स्टेंट है, तो पी एंड टी प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब V कॉन्स्टेंट रहता है, P एंड T प्रोपोर्शनल है, अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो बाकी सब कॉन्स्टेंट चाहिए, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो और क्या कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम, इधर नंबर थ्री में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो नंबर थ्री क्या है, आइसोकोरिक, नंबर थ्री क्या है, आइसोकोरिक है, समझ आएगा, नंबर थ्री थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी आइसोकोरिक हो गया तो नंबर टू क्या बचा है, एडियाबेटिक बचा है, तो नंबर टू है एडियाबेटिक, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, कुछ समझा नहीं तो बोलो, स्क्रीनशॉट मारो, कुछ समझा नहीं तो बोलो, इंपॉर्टेंट है ये काम का है। अगर कुछ समझा नहीं है तो बोलो, नंबर थ्री थोड़ा सा अलग है बाकी सब सिंपल है, स्क्रीनशॉट मारा, कुछ डाउट नहीं है। पी वर्सेस टी देखा, अब वॉल्यूम वर्सेस टी देखते हैं, खत्म कर दिया आज का, ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वर्टिकल लाइन है बस, या फिर बस हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेक्स्ट क्या है, यहां से जाने वाला स्ट्रेट लाइन है, या फिर ऐसा कर्व है, तो वन टू, तुम लोग और अभी कौन क्या है, थ्री एंड फोर, चलो तुम लोग एक बार बोलो अभी, अब तुम लोग कमेंट करो, नंबर वन बोलो क्या है, चलो सब लोग बोलने का अभी, नंबर वन क्या है, आइसोथर्मल है तो आइसो टी भेजते जाओ ना, आइसोकोरिक है तो आइसो भी भेजते जाओ, अब इतना शॉर्ट फॉर्म मैंने इधर लिख रहा हूँ फिर भी तुम लोग आइसोकोरिक इतना बड़ा टाइप करते हो, उसमें भी पहले तुम लोगों को स्पेलिंग को सोचना पड़ता है, जिसको आइसोकोरिक है तो स्पेलिंग क्या लिखो, तो सिंपल भेजो ना, चलो बोलो क्या है, नंबर वन का क्या है, आइसोथर्मल, नंबर वन क्या है, आइसोथर्मल, खड़ा लाइन है तो टेम्परेचर इधर है, तो आइसोथर्मल, इस वर्टिकल लाइन पे टेम्परेचर सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये सेम रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सेम है, फिर वॉल्यूम, आइसोकोरिक, ठीक है, नंबर फोर बोलो पहले फिर नंबर थ्री देखेंगे, नंबर फोर बोलो, नंबर फोर क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है नंबर फोर में, मतलब क्या है, क्या कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है उधर, नंबर फोर में क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है ना, वेरी गुड, नंबर फोर में क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो आइसो बैरिक है, आइसो बारिक को आइसो बैरिक भी बोलते हैं, कोई कोई प्रोनाउंसिएशन वैसा भी करता है, अब मुझे आदत हो गया आइसो बारिक का, कौन सा करेक्ट है मैंने देखा नहीं प्रोनाउंसिएशन, अब मैं बारीक ही करता हूं, ठीक है, नंबर थ्री, नंबर थ्री ऐसा वापरा ग्राफ है, क्या होगा फिर,
जो बचा है वो रहेगा, क्या बचा है एडियाबेटिक बचा, तो नंबर थ्री एडियाबेटिक। ठीक है चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका। तो एडियाबेटिक हमेशा वाकड़ा है ऐसा याद रख सकते हैं हम लोग, एडियाबेटिक हर एक ग्राफ में वाकड़ा है ऐसा वाकड़ा दिखता है ना, याद रखो वो ट्रिक लिख के रखो किधर, तो इन टीवी बीटी एंड पीटी ऑल ग्राफ्स एडियाबेटिक इज वाकड़ा ऐसा लिखो, तो ऐसा फनी सेंटेंस लिखा तो याद अच्छे से रहेगा है ना, इन टीवी बीटी एंड पीटी इन ऑल एडियाबेटिक इज वाकड़ा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन वगैरह कभी नहीं होता, हमेशा वाकड़ा ही रहते हैं। ठीक है चलो लिखो वैसा ट्रिक, लिखो वैसा ट्रिक लिख के रखो। ठीक है तो देखो अभी क्या बोल रहा हूँ, एडियाबेटिक है तो वो वाकड़ा रहेगा, लेकिन वाकड़ा है इसका मतलब एडियाबेटिक नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना। एडियाबेटिक है तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, वाकड़ा रहेगा। ठीक है लेकिन उल्टा नहीं बोल सकते हम लोग, वाकड़ा दिख रहा है तो एडियाबेटिक रहेगा ऐसा नहीं है, तुम लोगों को कर्व का नेचर नहीं समझ सकता, वो देख के तुम लोगों को नहीं समझेगा, वो दूसरा भी प्रोसेस रह सकता है। ठीक है चलो ठीक है, तो ब्रेक के बाद ब्रेक 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक, न्यूमेरिकल्स कम हो रहा है। ठीक है तो ओनली 5 मिनट्स का ब्रेक, ब्रेक के बाद चालू करेंगे। पूरा थ्योरी हो गया, हीट इंजन छोड़ के बाकी पूरा थ्योरी हो गया है, तो पूरा थ्योरी रीड करो, जितना भी चैप्टर में पूरा थ्योरी है, एरएलएस में जितना भी थ्योरी है पूरा थ्योरी रीड करो, एंड न्यूमेरिकल हीट इंजन का छोड़ के बाकी सब सॉल्व करो, हीट इंजन छोड़ के बाकी सब न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए, एंड वन डे का रिविजन देखो तुम्हारे हिसाब से, आज होता है तो आज करो, कल होता है तो कल करो। पेपर कब है, कल 5 to 6 ऑनलाइन पेपर रहेगा कल का, कल पेपर कब है 5 to 6 ऑनलाइन है, मेरा लेक्चर्स रहता है तो इसलिए पेपर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं, ऑनलाइन रहेगा कल का पेपर, संडे का पेपर ऑफलाइन लेंगे हम लोग। ठीक है ओके चलो 5 मिनट्स के बाद आएंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलो बाय।